मनवीर गुजर नाम है, 29 साल का हूँ। पिताजी का कहना है कि आदमी का हिसाब ठीक रहेगा तो आगे जाएगा, हिसाब ठीक रहेगा तो सेहत बढ़िया रहेगी। मेरे शुरू से ही दोनों ही खराब हैं। ये गंदा हो जाता है, इसको धोती कैसे होगी? ये डिजाइनर है, गांव में चली जाए पहन के तो कुत्ते पीछे पड़ जाए। बात करने में उसे तहजीब भी नहीं है। आगे बेच, आगे जाके मत कर। जो प्यार से बोलेगा, आएगा, मिलेगा, उसके लिए वेलकम है, और जो ज्यादा फोर्स दिखाएगा उसके लिए भीड़ कम है। किसी काम का नहीं, निकम्मा रहेगा। बेवकूफ, हमें बताया कौन बेवकूफ है? टेलीविजन के ऊपर किसी ने अगर हाथ उठाया सीधा जाता है ये जेल नहीं, बाहर की जेल में। टोन नीचे करो, ये करो, इस टोन के चक्कर में ही हम यहाँ आए। हम लिटरली रोए यहाँ जाके, हमें टास्क समझ में नहीं आ रहा और हम टास्क में किसी बंदे को धक्का मारे तो उसकी क्या है? हम यहाँ से जेल जाके अपने घर जाएंगे क्या यार? बस मुझे जो इज्जत कमानी कमानी थी ना कमा ली मैंने, मैं मुझसे नहीं होगा ये बिल्कुल, मैं संयम खो रहा हूँ बस। फिलहाल हम जिस मनवीर से बात कर रहे हैं उससे तो हमें कोई भी गलत काम की उम्मीद ही नहीं है। बिग बॉस आपकी मतलब पता नहीं क्या बातों में ही वो है कि खुद भी पिट लो कहीं, लेकिन आपकी बात मान लो। एक दो हफ्ते बड़ा अकेला फंसा फील हुआ, फिर मुझे मन्नू मिला, धीरे धीरे हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बनते चले गए। दोस्ती के पैरामीटर में कुछ आता है ना तो वो मन्नू को आता है। मिस नॉमिनेशन से बचने का एक उपाय आपके पास है, मनवीर को अपनी दाढ़ी शेव करने के लिए मनाना होगा। ये तुझसे बढ़ के नहीं है लेकिन ये मुझसे बढ़ के है। इट्स लाइक अपने बच्चे को मारना। एक 20 दिन की दोस्ती को क्या क्या प्रूव करवाएंगे भाई? बॉस सुंदर लग रहा है, रियल में बहुत सुंदर लग रहा है। सही बात, तेरे सा दोस्त कुछ भी करके नहीं मिल सकता था। मिल बाट के ऐसा ना जुनूनियत वाली दोस्ती होती है ना, वो दोस्ती है पन्ना ना। अगर मुझे मन्नू नहीं मिलता मुझे नहीं लगता कि मैं इतने दिन यहाँ टिक भी पाता। मैं अगर दिल भी बन सकता हूँ तो दिल बनूंगा, वो दिमाग बन सकता है तो दिमाग बनेगा। ये टी शर्ट पे क्या लिखा है भाई? सर हम तीनों के टी शर्ट पे M3 लिखा हुआ है सर, मन्नू मनवीर मोना। मनवीर को और मनु को आप उनको ये कह दीजिए कि मेरे से कभी भी जिंदगी में बात ना करें। अगर यहाँ आया ना तो जेल में बंद कर दूंगा उनके। अभी जाऊंगा मैं। बाबा को तो जज करना ही मुश्किल है। मैं जा रहा हूँ बाथरूम। बिग बॉस देखिए मुझे बाथरूम में जाना था, मनवीर जबरदस्ती अंदर से बंद कर दिया है। फुटेज लेने के लिए बिना मतलब ड्रामा किए जा रहे। बहुत ज्यादा बोल रहे हो। मैं कहाँ ज्यादा बोल रहा हूँ? सुनो मेरी बात। नहीं, गुरुजी बिखरते हैं, मैं उन्हें समेटता हूँ। क्या हो जाता है यार आपका, बच्चे की तरह रोते हुए। कभी समेटता हूँ तो फिर मैं खुद ही बिखेर देता हूँ, उनसे भी बहुत अच्छा है। मनवीर जी भाई, आपने ओम जी को बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल किया। थैंक यू भाई, थैंक यू। इस घर में इन्वॉल्व होने के लिए हम आए हैं, बुरे हो या सही हो, मानसिक तैयार रहो बस, मानसिक मानसिक मानसिक। फिजिकली में तो हम 80 किलो के, आज 60 किलो के होके बैठे हैं यार। एक चीज होती है उसके आगे बढ़ो। कितनी बारी असली प्यार हुआ है? एक बार ही होता है ना। अपनी ट्यूनिंग उससे ही बनती है जिसको अपनी चीजें समझ में आए। दिल मेरा जैसे कोई डिश देसी मुंडा मिलाई थी मैंने। आपके लिए दोस्ती का क्या मतलब है? मुझे दोस्ती के साथ और कुछ भी चाहिए सुनने को। वो इंसान चाहे दिखने में बहुत अग्रेसिव हो, दिल का बहुत अच्छा है, उसकी आंखों में एक डेप्थ है जो मैंने और किसी के आंखों में नहीं देखी है इस घर में। मनवीर तो सही में हैट्स ऑफ है बॉस।